ओप्पो X3 को मैं लगभग एक महीने से यूज कर रहा हूँ और इससे रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे सवाल आया। YouTube कमेंट सेक्शन में भर भर के सवाल आया, साथ ही साथ आप लोगों ने Instagram पे और Twitter पे और कुछ लोगों ने मुझे Facebook पे भी बहुत सारा सवाल किया। तो यहाँ पे आज हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चन पिक करने वाले हैं जो कि ज्यादातर दोस्तों ने आप लोगों ने पूछा है। तो बहुत सारे सवाल का आज हम लोग इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी इससे रिगार्डिंग क्वेरी है वो सारा कुछ सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप लोग पूरा वीडियो देखना, अंत में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा फनी है, काफी ज्यादा मजेदार है, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सुन के भी मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी प्राइमरी डिवाइस के हिसाब से Realme 7 Pro को यूज कर रहा हूं। तो इस डिवाइस के रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सारा क्वेश्चन कवर अप कर दूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कानंद मालपे का, ये पूछते हैं सर डज इट कम विद ए प्री अप्लाइड टेम्पर ग्लास। तो इनका सवाल ये है कि इस फोन के साथ क्या आउट ऑफ द बॉक्स प्री अप्लाइड टेम्पर ग्लास आता है। तो यहाँ पे टेम्पर ग्लास तो इसको नहीं कह सकते, यहाँ पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आता है जो कि मोबाइल का स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अच्छा है। तो टेम्पर ग्लास हो सकता है आप फ्यूचर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्री अप्लाइड आपको एक स्क्रीन गार्ड मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे रोहित पांजा पूछते हैं कि सर कैन पोको X3 सपोर्ट 5G। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या पोको X3 5G सपोर्ट करता है। तो नहीं, यहाँ पे ये आपका एक 4G फोन है, यहाँ पे 5G नहीं सपोर्ट करता है। अगर आपको 5G फोन अभी इंडिया में चाहिए तो आपको कम से कम 20,000 इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 20,000 से नीचे अभी तक आज के डेट में आपको 5G फोन इंडिया में नहीं मिल सकता। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिव्यांश साव जी पूछते हैं कि व्हेन वी पुट द वॉल्यूम ऑन द फुल डज द बैक वाइब्रेट। तो इनका क्वेश्चन यही है सिंपल कि अगर मैं फुल वॉल्यूम पे गाना सुनूं तो क्या इसका बैक जो है वो वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करता है, लेकिन अगर आप उस फोन को टच करके रखोगे तभी आपको वो वाइब्रेशन पता चलेगा, अदर देन आपको बाहर से नहीं पता चलेगा कि इसका बैक वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी और कवर के बीच थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पीछे प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा दब जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि बैटरी और बैक कवर के बीच थोड़ा सा गैप है, और यही गैप के कारण अगर हम लोग हाई वॉल्यूम पे गाना सुनेंगे या तो कोई भी म्यूजिक प्ले करेंगे तब वाइब्रेट करता है, लेकिन वो बाहर से नहीं पता चलेगा, जब आप टच करोगे इसके ऊपर तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे यस नारंग जी पूछते हैं कि जस्ट वन थिंग टू आस्क, विल इट गेट एंड्रॉइड 11 अपडेट इन फ्यूचर। तो ये फिलहाल एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर भी कंपनी प्रोमिस करता है कि एंड्रॉइड 11 तक अपडेट देगा। तो यहाँ पे कंपनी ने 2 साल रेगुलर सिक्योरिटी पेच एंड जो एंड्रॉइड वर्जन है वो अपडेट देने का प्रॉमिस किया है, इसलिए इस फोन के साथ आप मान सकते हो कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट आपको जरूर मिले। नेक्स्ट यहाँ पे आकाश चंद जी पूछते हैं कि हाउ मेनी मिनट इट टेक्स टू चार्ज फुल। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो 6000 mAh का बैटरी है ये फुल चार्ज होने में कितना मिनट समय लगता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि 0 to 100% चार्ज होने में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कितना समय लगेगा, वो वाला वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हो। बाकी ऐसे में इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, 60 मिनट में ये लगभग आपका 82% चार्ज हो जाता है और बाकी ये फुल चार्ज होने में आपको 1 hour 52 minutes समय लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है techmia.me से, आई हैव वन क्वेश्चन हियर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई एवरीवन क्लेम्स दैट द फोन हैज 6000 mAh बैटरी बट ऑफिशियल वेबसाइट सेज इट हैज 5160 mAh बैटरी। तो इनका ये कहना है कि लोग क्यों कह रहा है कि इसके साथ 6000 mAh का बैटरी है जबकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि 5160 बैटरी है। तो यहाँ पे techmia.me जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फोन के साथ इंडिया में जो फोन लॉन्च हुआ है इस फोन में आपको 6000 mAh का ही बैटरी मिलता है, बाकी कुछ कुछ कंट्री में यही सेम फोन के साथ आपको 5160 mAh का बैटरी मिलता है। पोको X3 हैव हाउ मेनी एफ जूम। तो इनका क्वेश्चन यही है कि पोको X3 में आखिर कितना जूम है। तो यहाँ पे लेंस में कोई जूम नहीं है, मतलब ऑप्टिकल कोई जूम सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें आपको डिजिटली जूम मिलता है। और अगर आप फोटो में जाते हो तो फोटो में आपको 10x जूम मिल जाता है, और अगर आप वीडियो करते हो तो उसमें आपको 6x जूम का सपोर्ट मिलता है पोको X3 में। और मैंने आपको बता दिया जूम के कारण यहाँ पे फोटो जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि ऑप्टिकल जूम नहीं है, डिजिटल जूम में आप फोटो उतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट।
यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमारा आता है स्टीफन जोल की तरफ से, ये कह रहे कि नाउ टेल मी व्हेन इज पोको X4 कमिंग। तो देखो यहाँ पे ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पोको X4 के रिगार्डिंग, लेकिन जहां तक लीक्स एंड रूमर है उस हिसाब से मार्च अप्रैल तक पोको X4 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है फाइन खान की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन नोट 9 प्रो मैक्स, पोको X3 एंड रियलमी 7। तो यहाँ पे रियलमी 7 मैंने यूज किया है और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स भी एक अच्छा फोन है, साथ ही साथ पोको X3 भी। आप अपना प्रायोरिटी सेट कर लें कि आपको कौन सा जगह पे फोन अच्छा चाहिए। अगर कॉम्पैक्ट चाहिए तो आप रियलमी 7 या तो रेडमी नोट 9 प्रो के पास जा सकते हैं, और अगर आप ज्यादा हेवी गेमिंग करते हैं तो उस हिसाब से आप पोको X3 के पास जा सकते हैं। और पोको X3 आप ध्यान देने वाली बात यह है काफी ज्यादा हेवी फोन है और ये 230 ग्राम के आसपास आता है और काफी ज्यादा ये मोटा भी फोन है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रायोरिटी बेसिस पे फोन चूज कर सकते हैं। तीनों ही फोन अपने बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा फोन है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है राज जी की तरफ से, और ये पूछते हैं कि गाइड ए मोबाइल फोन एंटरप्राइज ऑफ 15,000 इन दिस डेज अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट सेल। तो इनको एक अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेल में 1500 के अंडर में एक अच्छा फोन चाहिए। तो देखो 1500 के अंडर में आप पोको X3 के पास जा सकते हैं या तो रियलमी नार्जो 20 प्रो के पास जा सकते हैं, दोनों ही फोन अच्छा है। और अगर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा चाहिए तो फिर आप पोको X3 के पास जा सकते हो, इसमें प्रोसेसर आपको 732G प्रोसेसर मिल जाता है, तो ये एक काफी अच्छी बात। नेक्स्ट और आज के लिस्ट का सबसे अंतिम जो सवाल है वो ये है ऑसम वीडियो की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि डू ए ड्रॉप टेस्ट ऑन पोको X3। तो देखो यहाँ पे पोको X3 जो है वो मैं खुद अपने पैसे से लिया हूँ, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, और लगभग इसमें मुझे 16,000 रुपया लग गया था। तो मैं इसका ड्रॉप टेस्ट तो डेफिनेटली नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस केस में हो सकता है फ्रंट या तो बैक कुछ भी टूट सकता है, तब जाके मेरा पैसा जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ड्रॉप टेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरा ही हाथों से ये कैजुअली एक दो बार गिर गया है, सिमिलर थोड़ा बहुत माइनर स्क्रेचेज आया है और यहाँ पे कोई दिक्कत नजर नहीं आया है। तो ड्रॉप टेस्ट तो आपको मेरे चैनल पे देखने को अभी नहीं मिल सकता है, और आशा करता हूँ आपका जो भी डाउट था, जो भी क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है। बाकी अगर वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा भी सब्सक्राइबर बहुत कम है, मुझे भी अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है। तो डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।